चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। 2019 के आम चुनाव में भाजपा के खिलाफ महागठबंधन आकार लेने की कोशिश में है। सपा और बसपा ने जहां साथ मिलकर उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली भाजपा इस बार भी हर संभव कोशिश में लगी हुई है। महागठबंधन को नकारते हुए भाजपा से जीत का दावा किया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस चाहे कितनी भी छोटी पार्टियों का सहारा ले ले, लेकिन लोकसभा में बीजेपी की जीत तय है। वहीं कांग्रेस के भी हौसले उतने ही बुलंद है। देखिए, महागठबंधन, विकट गठबंधन, महामिलावट जो करना है वो करके देख लें। और ये बात तयशुदा है कि ममता बनर्जी का मध्य प्रदेश में कोई रोल नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई रोल नहीं है, या बाकी दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल के अलावा कोई रोल नहीं है। इसी प्रकार बाकी दूसरे दलों की स्थिति भी यही है। इसलिए वो कर लें, उनकी मर्जी, लेकिन इसलिए जो गड़बड़ झाला है आज की जनता, आज का मतदाता समझता है। भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त होकर वो मतदान करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा बनाने के लिए वो मोदी जी को वोट करेगा, ये बात सिद्ध है। और ये बात अब एक छोटे बड़े दल भी जान चुके हैं। शुरू से चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव रहे मध्य प्रदेश के, कांग्रेस पार्टी ने तमाम लाइक माइंडेड पार्टी को कहा था कि वो साथ आए, जिससे कि हमारा वोट बैंक डिवाइड ना हो और जिस उसका फायदा सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी को ना मिले। इसलिए हम सबको एकजुट खड़े रहने की जरूरत है। और लोकसभा में भी अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है, पर निश्चित ही कई गठबंधन होते हैं जो प्री पोल होते हैं, कई होते हैं पोस्ट पोल होते हैं, पर ये बात तय है कि अगर गठबंधन होता है तो जो सेकुलर वोट्स रहते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं, तो उसका नुकसान बीजेपी को होता है।